जस्ट बालक गोरिया की। सुप्रभात मित्रों, कैसे हो आप सब लोग। तो फिर एक बार मैं आप लोगों के लिए लाइव आया हूं और फिर आपको फिर सुंदर सी घाटी, हमारी सुंदर गेवाड़ घाटी का पूरा चारों तरफ का नज़ारा दिखाने के लिए तैयार हूं। तो देखिए, मैं निकला हूं अपने घर से अभी फिर जंगल की ओर घास लेने के लिए। तो सोचा आप लोगों से थोड़ा सा वार्तालाप हो जाए और थोड़ा बहुत बातचीत करते हुए निकल लेते हैं। तो मैं अभी पहुंच ही रहा हूं, थोड़ा धीरे धीरे ऊपर को आप देख ही सकते हैं। और सुंदर गेवाड़ घाटी का जो दृश्य मेरे सामने आ रहा है, तो सोचा आप लोगों को उस दृश्य से अवगत करा जाए। तो ये लीजिए, हाँ, अग्नेरी माता के मंदिर के, ये देखो, ये हमारे साथी लोग जा रहे हैं। हाय हाय बोल दो, हेलो, बाय बाय, हाय हाय करो दो। तो ये देखिए, आपको मैं सीधा सबसे पहले गेवाड़ की कुलदेवी माता अग्नेरी काली माता के दर्शन, सबसे पहले यहाँ काली माता के दर्शन कराते हैं। कैमरे में क्लियरिटी नहीं आ रही है, वैसे बिजली वहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए भी नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा दुलड़ी, फुलई दुलड़ी और धुदलिया का एरिया, वहाँ सामने रमना गांव, रमना गांव होते हुए हमारे रामगंगा के नितारे, ये सीधे आपको बिचनधार, उडली खान, कुरमान, उधर सोनगांव, फिर वो नौलाख कचूर की राजधानी लखनपुर, सीधे ऊपर टॉप में है जहाँ पे अभी बादल लगे हुए हैं। और ये हमारा गनाई का बाज़ार, ये हमारा गेवाड़ घाटी का गनाई का बाज़ार मेन, गेवाड़ घाटी आगे मासी तक फैली हुई है, तो वहाँ थोड़ा सा दिखता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको जितना हो सका उतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मित्रों, अभी भी काफ़ी उमस है, गर्मी है, तो मौसम ठीक है, सुबह से लेकर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रखी है, बारिश होने के आसार हैं, अभी अच्छा खासा मौसम हो रखा है आजकल, इंद्रदेव और जो है बरसात हो ही जा रही है, बहुत ही अनुकूल मौसम हो रखा है अभी धानों के लिए, खासकर हमारी इस गेवाड़ घाटी के धानों के लिए काफ़ी अच्छा मौसम है अभी, जबकि नहरों में पानी नहीं है, विभाग बिल्कुल अभी भी सोया हुआ है, हमारे दोनों के दोनों नहरें ठप हैं, अभी तक कम से कम एक महीना हो चुका है, विभाग के कान में कहीं भी जूर नहीं रह रहे हैं, पानी नहरों में चलाने के लिए कोई भी कार्रवाई अभी नहीं की जा रही है, ठीक है ना। तो भगवान और इंद्रदेव के सहारे हमारे गेवाड़ घाटी के काश्तकार किसान लोग अपनी खेती हरियाली लियो है उनकी। ये देखिए, इतने सुंदर सुंदर खेत जो हैं, ये अभी बारिश की वजह से देखो, वहाँ अपना जुकानौली, बाखली, बजभीड़ा से, ये देखिए, ये हमारा इस नेरिया नज़ारा, ये हमारा बालिका इंटर कॉलेज गनाई का ये, हाँ, और वो है GGIC राजकीय इंटर कॉलेज गनाई। तो काफ़ी लोगों ने वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पर पहुँच चुके हैं लोग इस कॉलेज से, काफ़ी पुराना कॉलेज है, बहुत ही पुराना कॉलेज है वो। और ये देखिए, अभी यहाँ लाइन वाइन बिछी हुई है, घास वास थोड़ा बहुत कमी हुई है यहाँ पे, हम ऊपर का रुख कर रहे हैं, ऊपर जाना पड़ेगा, अभी 1 किलोमीटर और है चढ़ाई में, तो वहाँ से आज घास लेके जाई गई, क्योंकि थोड़ा बहुत श्रीमती का हाथ पैरों में दर्द है, तो इसलिए उससे घास लाई नहीं जाएगी, तो मैं सोचा थोड़ा मैं चले जाऊँगा तो थोड़ा बहुत मैं ले आऊँगा घास, इसलिए मैं अभी जंगल की तरफ निकल रखा हूँ। तो जंगल आ ही रखा था, तो सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को, मित्रों को, स्नेही जनों को थोड़ा सा इस बारे में अवगत करा दिया जाए। ये देखिए, हमारे गनाई का खुश हो जाते हैं हमारे गांव के लोग, एरिया के लोग देख के, ये देखिए,
और ये हमारा घर, हमारा निवास स्थान साफ दिख रहा है यहाँ से। ये देखिए, हम यहीं से आपसे ज़्यादातर रूबरू होते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी सुंदर गेवाड़ घाटी का ये नज़ारा। बाहर रहने वालों को सबको अपने अपने घर दिख रहे होंगे। ये देखिए, काफ़ी क्लियर पूरी गेवाड़ घाटी का दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी मौसम उतना साफ नहीं है तो इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। फिर भी अब ये इधर से, यहाँ से एक रोड ताल को निकलती है, ताल में अभी कुछ दिन बाद ही मेला होने वाला है। और हाँ, अभी इस बार अग्नेरी में मेला हो रहा है, आप लोगों को सबको अवगत करा दूँ। अग्नेरी में अभी जन्माष्टमी मेला 3 दिन का होने जा रहा है। अभी मैंने कोई पॉम्पलेट देखा था, तो आप आइए यहाँ पे गेवाड़ घाटी में। अग्नेरी मेला शायद पहली बार हो रहा है अभी, क्योंकि मैं ज़्यादातर रहता नहीं हूँ, लेकिन 3 दिवसीय मेला माँ अग्नेगिरी के वहाँ पे होने जा रहा है, जहाँ पे कृष्ण भगवान की झांकी निकलेगी और दही हांडी का भी कुछ प्रोग्राम है शायद। तो आइए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में कृष्ण जन्माष्टमी का मेला यहाँ पे भव्य तरीके से इस बार लगने जा रहा है। तो आप लोग सभी गेवाड़ घाटी में सादर आमंत्रित हैं, जो भी दूर दूर से लोग हैं वो आ सकते हैं। तो फिर मैं पहुंच चुका हूं हमारे यहां के पानी की टंकी पे। पानी की टंकी यहां से पानी निकलता है हर जगह को। ये देखिए, हम मैं यहां पे पहुंच चुका हूं। ये यहां पे पानी की टंकी पे काम हो रहा है। ये लीकेज भी है, ये पानी की टंकी पे ये बना हुआ है। चाचा आ गए, भैरव चाचा। ये देखो, भैरव चाचा लगे हुए हैं हमारे। और बताओ, क्या चल रहा है? काम धाम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? माल वाल सही पड़ रहा है इसमें? पक्का ठेकेदार को थोड़ा देखते रहना। यहाँ ठेकेदार लोग थोड़ा यहाँ गंदगी बड़ा फैला रहा है, और यहाँ से पत्थर वत्थर जो है काफी खुदान उदान भी कर रहा है। ये तो ईंटों का बनना चाहिए, नहीं तो है ना, ईंटों का नहीं है। अच्छा, तो ये देखिए, और ये हमारा आधा गांव उधर को, उसको भी दिखाते हैं आपको। गनाई गांव बहुत लंबा चौड़ा है, तकरीबन 1.5 से 1.75 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इससे ये यहाँ देखिए, यहाँ पे, यहाँ से अभी अंदर भी आधा किलोमीटर तक है, और ये ना को जाने का रास्ता हमारे ना गांव को, तो यहाँ से फैला हुआ है। देखो ये, यहाँ से फैले हुए बाहर की, बाहर से दिखता नहीं है इतना, लेकिन फैला हुआ अंदर तक, पूरा अंदर तक गनाई का ये गांव हमारा। अब तो इसका दायरा कम से कम 2 किलोमीटर राउंड में आ चुका है, क्योंकि अब इसका मिलान वहाँ नीचे तक, स्कूल तक पहुँच चुका है। क्योंकि हमारे जो हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो अपने नीचे तक बना लिया उन्होंने घर मकान, तो यहाँ से लेके वो वहाँ तक, देखिए यहाँ तक फैल गया पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के इससे ऊपर ही चला गया अब तो गाँव का एरिया। तो मैं छोड़ चुका हूँ पीछे, अब मैं निकलता हूँ आगे को। चलो चाचा फिर है, हाँ गोपा चाचा बैठे हैं ऊपर टंकी में। तो और आप बताओ, आप लोग कैसे कैसे हो, सब ठीक ठाक हो? तिवाड़ी जी नमस्कार। तिवाड़ी जी कैसे हो आप? और घर में सब कुशल मंगल हैं? बच्चे ठीक ठाक हैं आपके? ठीक है ठीक है। मेरे को कमेंट्स दिख नहीं रहे थे थोड़ा, इसलिए धन्यवाद रावत जी, आरती रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? और हमारे भाई जगदीश चंद मठपाल जी, नमस्कार सर, कैसे हो? और ठीक ठाक हो आप? गुड मॉर्निंग।
ये देखिए यहाँ पे अब ये बने हुए हैं चेक डैम, और ये जो बन रहे हैं लाइन गई हुई है पूरी पानी की। बहुत से जगह को पानी की लाइन यहाँ से गई है हमारे गांव से, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमारे गांव में अभी भी प्रॉपर पानी नहीं आता है। हमारे खुद के घर में सिर्फ एक अभी 20 दिन से पानी आ रहा है जब से बरसात शुरू हुई है। उससे पहले हमारे घर में बिल्कुल पानी नहीं आता था, जबकि इतनी बड़ी टंकी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लगने के कारण फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए स्पेशल गांव के लिए 2-3 कनेक्शन तो होने ही चाहिए थे ताकि गांव में प्रॉपर पानी मिल सके। ये यहाँ पे बन चुका है, पुरानी टंकी का है, ऊपर है नई टंकी। तो कैसा लग रहा आपको नज़ारा? काफ़ी चढ़ाई है ऊपर को, ये देखिए रास्ता भी इन्होंने ठेकेदार ने खोद खोद के फिसलने वाला बना रखा है। यहाँ पे देखो ये हमारा वन पंचायत की जगह है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने काफ़ी नुकसान कर रखा है। और अब आपको ऊपर का एरिया पूरा दिखेगा आज। जय हो, जय हो भट्ट साहब, जय हो भट्ट जी, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डंगवाल साहब, नमस्कार, कैसे हो? आज चलो थोड़ा लाइव बातचीत ही हो जाए। हो जा बुढ़ापा आ गोरे, अब सांस फूलों को मल ही जाने क्या हो, क्या करूँ बाप। हाय ओ भाभी, तुम कहते हैं पिछाड़ 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 गया हमसे हैं, तुम पिछाड़ पिछाड़ गया रख सको महला काटी। हाँ हमारी प्यारी प्यारी भाभी आ रही है। ओहो थक जाए मो, घाती बनला हर को आप उसे आइए हैं, तो बुझ है बहुत काना कान छेद हैं, खा बना काना कान हरी कान यो हैं, सब मल्ली बैठ गए, ट्राइपन कोई नहीं फटमोल। सब मल्ली पहुंच गए कनाड राम। ये बनी हुई टंकी है, काम पूरा हो चुका न्याम अब। हाँ ये क्या खड्डे बना रहे हैं ये? ओहो ये देखो ये इतना नुकसान कर रखा है पूरा इन्होंने, टंकी बनाने वाले ठेकेदार ने यहाँ वन पंचायत की जगह में। यहाँ पे आके देखो रास्ते में तक खोद रखा है, ये देखो वन पंचायत की जगह में खड्डे खड्डे बना रखे हैं और रास्तों में खुदाई कर रखी है। कौन से है अगर बंद करो कहना थी भाई, गड्ढा के नहाए नहीं हो लो, कोई गलन चुई थी भाई, कौन से करना नहीं तो काम बंद कर दो। तो मित्रों और बताइए आप कैसे लोग हो, कौन कौन किस किस को आ रही है अपनी आज। बारिश की बूंदें भी अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गिरने लगी हैं, लगता है आज घर भीगते हुए जाना पड़ेगा, आज घर भीगते हुए जाएंगे हम, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है। ये देखिए
आपको पूरे जंगल के दर्शन कराते हैं। हमारे जो मित्र लोग हैं, बहुतों को अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि हर किसी ने कभी ना कभी काम किया ही होता है, 2 साल 4 साल 10 साल। उसके बाद लोग बाहर निकल जाते हैं। कहाँ तक जाना है इन्होंने, मैं तो ऐसे थक गया हूँ, थक गए रे मैं इसका, अब कह खा जानू या खाली खाली मल ही नहीं जाए, मुझे तिरा खाली भी आई छो। नेगी जी नमस्कार, जय बाबा गोरिया की, कैसे हो? नेगी जी अभी कनाडा से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ तो अभी रात हो रही होगी। कैसा लग रहा फिर नेगी जी? जल्दी जाइए, देखिए गांव की याद। आप लोगों को थोड़ा सा गांव की याद आ जाए, इसलिए थोड़ा बहुत मैं ऐसे थोड़ा टूटा फूटा करके वीडियो बना देता हूँ, ताकि लोगों को थोड़ा बहुत याद तो आ जाए, गाये बगाए मेरे वीडियो देख के। तो ये काफ़ी हरियाली हुई है, अभी चौमास का दिन है तो हरियाली काफ़ी हुई है। ये देखिए अब यहाँ पे जो ना झाड़ियाँ बहुत हो रखी हैं, कांटे हो रखे हैं, तो घास इसलिए बहुत ना के बराबर है। अब सब ऊपर जा रहे हैं, मैं भी ऊपर जाऊंगा, वहाँ से दिखाएंगे आपको व्यू, वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है नीचे का। यहाँ से आपको श्री स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी कॉलेज वहाँ दिखाया जाएगा, ठीक, वो भी नीचे ही पड़ता है बगल में। ये देखिए ये आगे आगे जा रहे हैं हमारे घसारी। तिल धारू बोला ये लीला घसारी, तेरी भैंस वो किए रमानी। घसारी जा रहे हैं, घसारियों के साथ मैं भी जा रहा हूँ, क्या करें, समय समय की बात है हाँ? तुलसी नरका क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, समय बलवान होता है, समय कब किससे क्या करवा दे कोई पता नहीं, इसलिए समय के साथ चलते रहो, चलते रहो जहाँ तक हो सके। हाँ ये देखिए यहाँ दीवार आ गई है, ये सीमा है, सीमा बोले तो कोई औरत नहीं है, ये है गनाई गांव का, और ये इससे सीमा से इधर दिगौत, ये दिगौत वन पंचायत की भूमि, और ये यहाँ से इधर गनाई वन पंचायत, ठीक, इसी के नीचे गोपाल बाबू श्री स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी डिग्री कॉलेज नीचे है। हाँ नमस्कार भटजी, भटजी नमस्कार, कैसे हो? आपको दिन याद आ गए अपने पुराने वाले धुनगिरी वाले घास काटने के? बढ़िया है भूपेंद्र सर, भूपेंद्र सर बढ़िया है, आप बताइए आपके क्या हाल चाल हैं? जय हो जय हो जय हो। चाचा देख रहे हैं, लाली चाचा, लाली चाचा नमस्कार, सुरेंद्र सर नमस्कार नमस्कार। कह जाना मल्ली हैं, मल्ली ए पुकार लानो पगोरा के गो
कैसा लग रहा है बताओ? इधर अरे दिखा इधर अरे इधर दिखा पहले उधर अरे तेरे फोटो लेने बात तो अरे कश लग मा ये ले रुको अब बताओ खाए पक मतलब भल लागम छ या न भल भन कथा भल लाग्छ कना बुझाउन यो हाय कना बुझाउन भल लाग म के भा बढ़िया मौसम हर बढ़िया आहा ए तो झनी मिले में खाली ये दिल्ली हिली बन रहे के कर छ खाली भते बन कुल रहा हो ओ दिल्ली बनवा को छ कुल रहा हो भल छ ये तो भाव छ भल छ बता इनको अल्लाह देखा को तो आनी कहाँ अच्छा है? दिल्ली अच्छा है या यहाँ अच्छा है? दिल्ली दिल्ली है जल्दी दिल्ली दिल्ली बम्बई है आदमी कमा के लाते हम बैठे खाते और हम पंखे की हवा खाते ऐसे मच्छर नहीं भगाते ऐसे पंखा हवा लोग काम नहीं पंखा भगाता मच्छर नहीं भगाते ऐसे नौकर रखकर बच्चा रखा लीजिए कोई बच्चा रखा नौकर चाहे ये भानुमा जी वहाँ भानुमा जी पढ़नी हो जेबे वहाँ मच्छर के भन्नी मच्छर हाँ इतना ही काम हो गया वहाँ भन्नी मच्छर के हम हाँ यह तो है घर जब बन आने भन मच्छर भर है हाँ अच्छा तीन वाले भान मजे दी मजे दी छे हजार रुपए दी छो मेहनत हाथ है भान मजी बेचवे तुम जो समझा घर भान चार पाँच आदमी थोड़ी मजा है कुर्सी में हाथ सड़े छे घर से सब परेशान है और सब आदमी सब परेशान छो ना कत्ती चैन निशो आदमी गए हैं ये पढ़ा लगे कत्ती चैन ना दिल्ली वाले दिल्ली पर परेशान छो गरमल मरमे ओक में आहा भल हरा पहाड़ पर मौज हरी और ये हरा मन कमरी भल हरा भते हमर भल हवा भते हरा हम भल छार कमरी ओहो ये देखो आई रुको गाड़नो आई हो यो रेड हां वीडियो बन गया वीडियो बन गया चलो ब्रो था बनावा कथा बनाओ चलो तो भाभी जी गुस्से में हमारी भाभी जी को एक बार दिल्ली ले जाएंगे दिल्ली दर्शन करवा के दो चार महीने गर्मी में। तो ये सीमा है देखो अब हम ठीक सीमा के लगते हुए निकल रहे हैं दिगौत की ओर गनाई की सीमा जो चल रही है जंगल की लेकिन इस सीमा के आदान प्रदान होते रहता है लोगों का इधर वाले उधर और उधर वाले इधर छलांग लगाते रहते हैं ऐसी बात नहीं है घास के लिए और तो घास हो ही रखा है काफ़ी यहाँ पे हम भी कटेंगे थोड़ा बहुत घास आज फिर मेरा मैंने कल ना आम के पेड़ में वहाँ आम के पेड़ में गया था अरे यार मेरे ना बहुत से लोग बोलते हैं थोड़ा पहाड़ी में बोल लिया करो अब मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं पहले से शुरू से आदत हो गई हिंदी में बोलने की क्योंकि मेरे बहुत से मित्र ऐसे हैं जो हमारी कुमाऊनी भाषा समझते नहीं हैं तो इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है हिंदी में बाकी ऐसे मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि मैं कुमाऊनी में भी बोल सकता हूँ गढ़वाली भी हल्की फुल्की बोल सकता हूँ समझ सकता हूँ नेपाली तो ऐसा कोई वैसी बात नहीं है लेकिन मैं उनके सजेशन का सम्मान करता हूँ जो मेरे को बोलते हैं खाए पक जाओ तो ये लीजिए मैं बोला नहीं छू ताकि सबको समझ में आ जाओ ताकि कहकर यह नहीं लागो यार कि भाई तक हमको ये समझ में आम थी और आज समझ में नहीं आई कि क्या बोला हमको है ना तो बाकी मैं बीचम बीचम बुलाते रहूँ यह बात नहीं है कि मैं आपूर्ण भाषा में नहीं बुलान या हम आपूर्ण भाषा प्रचार प्रसार या हमको आपूर्ण भाषा आन नहीं छू या आपूर्ण भाषा में बुलाने में के परहेज छू यश के बाद नहीं छू तो जो लोग मेरे दोस्त लोग थी हमार फॉलोअर थी और हमारे प्रशंसक थी तो उन्हों ये मैं गुजारिश छू तो मैं टाइम टाइम पर बुलानू यश बात नहीं है कि मैं अपन भाषा में नहीं बुलान मैं बुलानू सब चीज़ मैं गढ़वाले मेला बोला सकूँ कुमाऊँ मेला बोला सकूँ है ना तो मैं तो यह क्या दिक्कत नहीं है कि मगर कोई भाषा में बोले सकते पर यश चूँकि आजकल नानी यश चाहिए कि जो अपन नानती नाग जल कि आप घर में
कुमाऊनी भाषा गढ़वाली भाषा बोलानी नहीं चाहिए तो उन्हें नानते समझा नहीं क्या कहला जो बिहार छी वो कोई बोला नहीं चाहना वो इंग्लिश में बुलानी बेटा ले एप्पल खा ले बनाना खा ले ले बेटा ये रूम में चले जा ये टावल ले ले है ये तो सावर कर ले तो ये सब हिंदी में आ गई यार वो हिंदी छोड़ पे इंग्लिश में आ गई तो अब हिंदी नहीं समझन मैं तो कुछ कुछ वर्ड तो अब वो कद में समझ नहीं पहाड़ी तो ये जी मैं कतो बड़ा ये जी बुलाना कोशिश नहीं करूँ ज़्यादातर लेकिन फिर ले तुम नौजन मान लिया मैं कतो बड़ा हर चीज़ में एक दिए ना बीचम बीचम बुलाते रहो ठीक छो न तो ये लीजिए तुम हूँ माफ़ी चाहूँ कि मैं तुम सोचना ला कि उन्हें नहीं बुलान तो इसके बाद नहीं छू तो और क्या हाल चाल छे ये देखो आप देखो ये अब यहाँ पे और अगे त्राई मन से मल यो यहाँ पे त्राई बजे गोपाल बाबू गोस्वामी अब मैं थोड़ा इतना है कोई दिगोत एरिया में यो यो छो देखो यह डिग्री कॉलेज हमार सुप्रसिद्ध सुर सम्राट है ना गढ़ कुमाऊँ रत्न स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी डिग्री कॉलेज ये ठीक यहाँ पे है देखो ये और इसमें अभी जो तीन चार दिन पहले जो आंदोलन हर चीज़ मुल आंदोलन देख दो हमारा वो आंदोलन में ये कुछ सब्जेक्ट जो थी उस सब्जेक्ट को ऐड करने जी यहाँ वो मतलब एक जो मांग थी वो ये जी रखी रहे तो आज भाई कुछ मांग पूरी हो गई जो गैरसैण में प्रतिनिधि मंडल मिलो तो कुछ मांगू आश्वासन दे रहो कि पूरे हगे गए तो बहुत बड़ी और खुशी बात हुई है गेवाड़ घाटी एकता लीजिए हम सब बोलीजिए कि हमारे मांगों को यश सरकार देख में और उनको सीरियसली ली में तो आई ले पाँच छः जो मांग थी वो सब मांगों को यहाँ पूर करवे गेवाड़ा विकास हण से है ना तो हमार दगड़ी लोग फिर आ गई अपन वेशभूषा में तो अपन थोड़ा सा कहो कि यह जो वेशभूषा रहे थोड़ा सा ना जंगौक थोड़ा सा घर में अलग रहे तो ये मैं ज़्यादातर दिखा नहीं सकूँ क्योंकि यह एक प्राइवेसी रहे तो नॉर्मल है भी थोड़ा अलग तो ये लीजिए और तो आप तुम देख सकते जो तो आनी सी लेकिन ए नहीं रहो भगवान की कृपाल है ना अब सोन खत्म हो लागो भादो भादो महन भादो महनम या भादो म्यालम म्याल म्याला त्यों के बहन छो है ना तो आओ भादो मले दो में कनी सोन कम ना भादो कम तो चौमास में है दातुल क्या कौन मेल एक दी तीन चार पाँच पाँच यानी जी एक एक पूरा काला में है जैन ठीक सो हाय जो तो शर्म नहीं आमे तुमको कहाँ में है तुम काटिया हाँ मुनो बाला तुम मुनो मुनो बाला मुर निकल हैं मुर निकल तो मैं तुम दी काट ला तुम हाथ बोल चलो याद करिए हाँ जॉब से पढ़ने की हाँ पढ़े बता रहा हूँ हाँ यार मगर तो आप उन्हें निकाल बोले चल मोबाइल है ये ठंड लग जो आफिरो पानी हाँ अब मगर पकड़े गए दातुल अब मैं दातुल पकड़ो मोबाइल पकड़ो तो मुझे बात करो तो मुझे दिखाऊं कपन है काम जीवन से पौर पे ये थी ठीक चो ठीक चो ओ मैं थोड़ा यह डिग्री कॉलेज दिखा दे लो पहले थोड़ा सा तो ये बीच में एक्सी तो ये देखो ये सामने और वो रोड बद्रीनाथ रोड ये ठीक सामने बद्रीनाथ रोड और बद्रीनाथ रोड के बगल में हमारा चंदा का मकान वहाँ पे दिख रहा साहब चंदा नेगी जनरल स्टोर मानी जानी जकोटिया की दुकान नेगी जनरल स्टोर के मालिक श्री चंदन सिंह नेगी जी का आवास स्थान ठीक यहाँ पे दिख रहा है अभी आपको और ये बद्रीनाथ रोड मार्ग से ये दिख रहा है आपको यहाँ से दिगोत दिगोत और ठीक सामने फुलाई रमना गांव और यहाँ इसके नीचे गलचौड़ा गांव और वहाँ से तो ताजपुर लगता है ताजपुर ऊपर से फिर दूसरा अपना भनोटिया तक बेजरानी भनोटिया और इस साइड में अपना रामपुर चकोड़ी जमनिया ताज और ये बिरखमू ये सब इसी बेल्ट में आते हैं हमारे तो अब मैं थोड़ा घास वास काट लेता हूँ फिर तब तक आपसे इजाज़त लेते हैं।